क्या फैटी लीवर को उल्टना संभव है? फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिससे विश्व भर में लाखों लोग पीड़ित हैं, और उनमें से कई को तो ये भी पता नहीं होता कि वे इससे पीड़ित हैं। मैं डॉक्टर रावत हूँ, एक चिकित्सक जिसने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया है, weightlossgroupcoaching.com का संस्थापक हूँ, और वर्तमान में वजन कम करें, बीमारी को उल्टे और उम्र बढ़ने को धीमा करें नामक पुस्तक लिख रहा हूँ। सबसे पहले फैटी लीवर वास्तव में क्या है? फैटी लीवर को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम बुनियादी स्तर पर यह समझ सकें कि फैटी लीवर को कैसे ठीक किया जाए। फैटी लीवर वास्तव में वैसा ही है जैसा कि इसका नाम है, लीवर में वसा का अत्यधिक संचय। यकृत में 5% तक वसा होना सामान्य बात है, और यदि यकृत में 5% से अधिक वसा हो तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। कुछ रोगियों में अल्ट्रासाउंड पर यह यकृत की बढ़ी हुई पारिस्थितिकीयता या चमक के रूप में पाया जाता है। अन्य ग्राहकों में जिनकी बीमारी अधिक गंभीर हो सकती है, संभवतः ग्रेड 2 या ग्रेड 3, उनके रक्त परीक्षण में भी लीवर एंजाइम का स्तर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब रक्त परीक्षण में लीवर एंजाइम का निम्न स्तर पाया जाना सामान्य बात है, लेकिन यदि एंजाइम का स्तर सामान्य से अधिक है तो इसका अर्थ है कि यकृत कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियों को सक्रिय क्षति हो रही है, जो कि आसपास की वसा कोशिकाओं द्वारा विषाक्तता या जहर है, जिसे लिपोटॉक्सिसिटी भी कहा जाता है, जिसके कारण रक्त प्रवाह में एंजाइम का रिसाव हो रहा है और इसलिए रक्त प्रवाह में यकृत एंजाइम का स्तर अधिक हो गया है। वास्तव में फैटी लीवर ने अब पश्चिमी दुनिया में लीवर प्रत्यारोपण के लिए शराबी लीवर रोग को सबसे आम कारण के रूप में पीछे छोड़ दिया है। हालांकि फैटी लीवर से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु का सबसे आम कारण लीवर रोग नहीं है, ये वास्तव में हृदय रोग है, और यही कारण है कि फैटी लीवर इतना महत्वपूर्ण है। ये संभवतः आने वाले दशकों में आने वाली बुरी खबर का संकेत है। अधिकांश रोगियों के लिए फैटी लीवर इस बात का संकेत होगा कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पूरी समझ के लिए मैं आपको मेरे कुछ अन्य वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, लेकिन संक्षेप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्टोपिक स्थानों पर वसा के अत्यधिक भंडारण के कारण होता है, जिसका अर्थ है शरीर के भीतर असुरक्षित या अस्वास्थ्यकर स्थान। शरीर के लिए त्वचा के नीचे चमड़े के नीचे की परत में वसा का भंडारण करना पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि आनुवंशिक कारकों और अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग आबादी में वसा को संग्रहित करने की प्रवृत्ति अलग अलग होगी, त्वचा के नीचे नहीं बल्कि उन स्थानों पर जो उस ग्राहक के लिए चयापचय की दृष्टि से अधिक हानिकारक है, जिससे आसपास के ऊतकों में अधिक सूजन और क्षति होती है। इसमें यकृत और अग्न्याशय भी शामिल हो सकते हैं। यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अन्य विशेषताओं का प्रवेश द्वार हो सकता है, जिसमें इंसुलिन प्रतिरोध, टाइप 2 डायबिटीज, प्रीडायबिटीज, हृदय रोग, संचार रोग, PCOD आदि शामिल है। इसलिए यदि आपको फैटी लीवर होने का निदान किया गया है और आपके चिकित्सक ने आपसे कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल अधिकांश लोगों को ये समस्या होती ही है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसे हल्के में ना लें। हो सकता है कि आपके चिकित्सक को इसमें उतनी रुचि ना हो, क्योंकि अधिकांशतः ऐसी कोई विशेष दवा उपलब्ध नहीं है जो हम आपको फैटी लीवर के लिए दे सके, लेकिन जीवन शैली, पोषण, आहार के दृष्टिकोण से यकृत रोग की प्रगति के अपने जोखिम को कम करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि हृदय संबंधी रोग से होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर के जोखिम को कम किया जा सकता है, जिसका अर्थ है भविष्य में दिल के दौरे, स्ट्रोक, रक्त संचार संबंधी विकार शायद कई दशकों बाद भी। लेकिन ध्यान रखें, पश्चिमी दुनिया में मृत्यु के शीर्ष 3 कारण हैं। पहला, हृदय संबंधी रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक। नंबर 2, कैंसर। तीसरा, न्यूरोडीजेनरेटिव रोग। और यदि ऐसा कोई संकेत है कि भविष्य में आपको हृदय रोग का खतरा हो सकता है, तो जोखिम को कम करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सही दिशा में उठाया गया स्वागत योग्य कदम होगा। अब आइए चर्चा करें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके फैटी लीवर को कैसे ठीक किया जाए। यह एक यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण है जो शराब न पीने की स्थिति तथा फैटी लीवर रोग पर वजन घटने के प्रभावों का परीक्षण करता है। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जीवन शैली हस्तक्षेप कार्यक्रम से 7 से 10% वजन में कमी आई, जिससे गैर अल्कोहलिक वैधानिक हेपेटाइटिस के यकृत रसायन विज्ञान और ऊतक वैज्ञानिक गतिविधि में महत्वपूर्ण सुधार
हुआ और इसलिए उनका निष्कर्ष ये था कि जब आप फैटी लीवर को ठीक करने का प्रयास कर रहे हों तो कम से कम 7% वजन कम करना एक अच्छा लक्ष्य होगा। इस तालिका में उन्होंने नियंत्रण समूह जिसने अपना वजन कम नहीं किया था की तुलना LS से की है जो वो समूह है जिसने अपना वजन कम किया था। प्रत्येक समूह में 10 लोग थे और आप इस ग्राफ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार सक्रिय समूह ने अधिक वजन कम किया। उनका वजन परिधि कम हो गया था, उनके लिवर एंजाइम्स जिनमें ऑल्ट और एस्ट शामिल थे में काफी कमी आई, उनके ग्लूकोज स्तर के साथ साथ 3 महीने की औसत शर्करा भी कम हो गई, उनके इंसुलिन प्रतिरोध के मार्कर HOMA-IR में कमी आई तथा इंसुलिन का परिसंचारी स्तर भी नीचे आ गया और यह 7-10% वजन घटाने से हासिल किया गया। इस अध्ययन में ये जांच की गई कि क्या आहार में कैलोरी वसा और लौह के सेवन पर प्रतिबंध लगाने से गैर मद्यपान यकृत रोग के लक्षणों में सुधार होगा। और इस आहार के 6 महीने बाद उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अपने आहार में कैलोरी वसा और लौह की मात्रा कम कर दी थी उनके NAFLD में सुधार हुआ। यह अध्ययन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन रोग और फैटी लीवर से पीड़ित महिलाओं पर किया गया है। यह अध्ययन 8 सप्ताह की अवधि के लिए किया गया था और उन्होंने ओमेगा-3 फैटी एसिड की अपेक्षाकृत उच्च खुराक 4 ग्राम प्रतिदिन की तुलना प्लेसिबो से की थी और वे ये प्रदर्शित करने में सफल रहे कि केवल 8 सप्ताह में 4 ग्राम ओमेगा-3 फैटी एसिड देने से उन्होंने लीवर में वसा की मात्रा में कमी देखी। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स, सिस्टोलिक रक्तचाप और डायस्टोलिक रक्तचाप में भी कमी आती है। ये बात लंबे समय से ज्ञात है कि जिस प्रकार शराब लीवर के लिए विषैली होती है उसी प्रकार इस बात के भी प्रमाण बढ़ रहे हैं कि फ्रुक्टोज का भी लीवर पर वैसा ही खतरनाक प्रभाव हो सकता है। हालांकि इस बारे में सूक्ष्मता से सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रुक्टोज वह पदार्थ है जिसे हम फलयुक्त शर्करा से जोड़ते हैं। अब ध्यान रखें, फैटी लीवर में प्राथमिक विकृति लीवर में अत्यधिक वसा का जमाव है और ऐसा मुख्यतः आपके द्वारा ली जा रही ऊर्जा की मात्रा की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा के सेवन के कारण होता है। इसलिए यदि कैलोरी इन कैलोरी आउट का समीकरण गड़बड़ा गया है तो आप फैटी लीवर के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे, विशेष रूप से यदि आपके पास एक्टोपिक या असुरक्षित स्थानों पर वसा जमा करने की आनुवंशिक प्रवृत्ति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये समझना महत्वपूर्ण है कि फल सबसे अधिक पोषक तत्वों से भरपूर और गैर कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों में से एक है जिन्हें आप खा सकते हैं। आमतौर पर एक फल में प्रति आयतन 150 से 600 किलो कैलोरी तक होती है और यह कैलोरी का बहुत कम घनत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें फाइबर और पानी भरपूर मात्रा में होता है तथा इनमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आदि सहित कई अन्य लाभ भी होते हैं। और जब आपको फैटी लीवर जैसी सूजन की स्थिति होती है तो आपको लीवर में अत्यधिक वसा से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उन सभी एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी। इसलिए फैटी लीवर से पीड़ित मरीजों के लिए फल खाना फायदेमंद है। अब यदि आपने मेरे अन्य वीडियो देखे हों तो मैं ये सुझाव दूंगी कि हमें दैनिक आहार के अनुसार भोजन करना चाहिए। मैं ये सिफारिश करता हूं कि हमें कम से कम 14 घंटे का उपवास रखना चाहिए जो दिन के उत्तरार्ध में होगा। और मैं ये भी सलाह देता हूं कि आपको अधिकतर चीनी और कार्बोहाइड्रेट का सेवन दिन के शुरू में ही करना चाहिए। अतः नाश्ते और दोपहर के भोजन के साथ साथ आपका शाम का भोजन, जिसके साथ आशा है कि कुछ प्रतिरोधक व्यायाम भी होगा, उच्च प्रोटीन वाला भोजन होना चाहिए। हालांकि कुल मिलाकर फल आपके लिए वास्तव में स्वस्थ है। समस्या फ्रुक्टोज से संबंधित है जो कृत्रिम या अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है जिसमें फ्रुक्टोज होता है। तो कोई भी चीज जो फल से बनी है लेकिन वास्तव में फल नहीं है, जिसमें से खाद्य मैट्रिक्स को तोड़ दिया गया है, पानी निकाल दिया गया है, फाइबर निकाल लिया गया है, चाहे वह उच्च कैलोरी वाला पोषक तत्वों से रहित फल विकल्प या फल उत्पाद हो, चाहे वह फलों का रस हो, फलों का जैम हो, फलों का मुरब्बा हो, फलों की आइसक्रीम हो, गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर के रोगियों के लिए ये कमोबेश शराब के समान है। इसलिए
जिस प्रकार आप धोखा देने वाले दिन, शायद सप्ताह में एक बार, रविवार को शराब पीते हैं, आपको इस प्रकार के फल उत्पादों के लिए भी ऐसा ही नियम बनाना चाहिए। हालांकि वास्तविक फलों के लिए नहीं। ये चूहों पर किया गया अध्ययन था जिसमें उन्होंने दर्शाया कि आनुवंशिक रूप से संशोधित चूहों को उच्च फ्रुक्टोज आहार देने से उनके यकृत में फैटी लीवर उत्पन्न हुआ तथा यकृत में महत्वपूर्ण फाइब्रोसिस या क्षति भी हुई। चूहों पर किए गए इस अध्ययन में उन्होंने दर्शाया कि फ्रुक्टोज युक्त आहार लेने वाले चूहों में ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी लीवर का स्तर बढ़ गया तथा व्यायाम से इस पर काबू पाया जा सकता है। यह एक अध्ययन है जिसमें एथेरोस्टेटिन, जो एक स्टेटिन है, के उपयोग की जांच की गई है, जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी 1 ग्राम और विटामिन ई 1000 IU/s प्रति दिन के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा है। स्टेटिन की खुराक लिपिटोर या एथेरोस्टेटिन की 20 मिलीग्राम थी, जबकि प्लेसिबो की खुराक 20 मिलीग्राम थी। इसमें 50 से 70 वर्ष की आयु के 1005 पुरुष और महिलाएं शामिल थे। ये अध्ययन 3.6 वर्षों तक चला और उन्हें यादृच्छिक रूप से या तो लिपिट 20 मिलीग्राम, विटामिन सी 1 ग्राम और विटामिन ई 1000 IU या प्लेसिबो प्राप्त करने में विभाजित किया गया। अध्ययन के अंत में लगभग 4 वर्षों में गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग की प्रगति में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कमी देखी गई और ये लगभग 71% की कमी थी। जिन लोगों ने 20 मिलीग्राम लिपिटर के साथ विटामिन सी 1 ग्राम और विटामिन ई 1000 IU के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने की इस रणनीति का इस्तेमाल किया, प्रतिदिन 1000 IU तक विटामिन ई का सेवन लीवर के लिए लाभकारी हो सकता है और ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें विटामिन ई अधिक होता है। आप देखेंगे कि ये ज्यादातर बीज, मेवे, पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली जैसी क्रूसीफेरस सब्जियां और कीवी जैसे फल हैं। अत्यधिक विटामिन ई का सेवन स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ पाया गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जो कोई भी विटामिन ई की खुराक लेने का निर्णय लेता है उसे प्रतिदिन 1000 IU की अधिकतम RDA सीमा से अधिक नहीं लेना चाहिए। तो फिर ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो लीवर के स्वास्थ्य के लिए सहायक हो सकते हैं? इनमें ब्लैक कॉफी, हरी सब्जियां, बीन्स और सोया, मछली, साबुत स्टील कट या 5 मिनट का दलिया, नट्स, हल्दी के बीज, जैतून, लहसुन जैसे पॉलीअनसैचुरेटेड वसा, सक्रिय रहना, व्यायाम करना, वजन कम करना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखना और शर्करा के स्तर को भी कम रखना शामिल है। फैटी लीवर से पीड़ित मरीजों को जिन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए उनमें शराब, अतिरिक्त चीनी, तले हुए खाद्य पदार्थ, अत्यधिक नमक, प्रसंस्कृत कार्बोहाइड्रेट जैसे सफेद ब्रेड, सफेद चावल, पास्ता और लाल मांस शामिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फैटी लीवर को ठीक करने का प्राथमिक लक्ष्य वजन कम करना है, जिसका लक्ष्य 7 से 10% वजन कम करना है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ कैलोरी इन कैलोरी आउट का मामला है। ऊर्जा संतुलन को ठीक करें, व्यायाम में सुधार करें, कैलोरी का सेवन कम करें। लेकिन क्या कैलोरी प्रतिबंध के अतिरिक्त आंतरायिक उपवास का कोई अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है, जिसकी जांच एक अध्ययन में भी की गई थी? बेशक, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनमें से एक कर्टनी पीटरसन के समूह द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने उन ग्राहकों में रात भर में वसा जलने में वृद्धि देखी जिन्होंने रात का भोजन जल्दी किया था और साथ ही उन लोगों में भी जिन्होंने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ली थी, जिससे रात भर में अधिक वसा जलने लगी क्योंकि रक्त शर्करा का स्तर कम हो गया था। यह अध्ययन मेरे ध्यान में है और मैं ये बताना चाहूंगा कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाला अध्ययन है। इसे क्रॉसओवर अध्ययन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि लोगों का एक ही समूह नियंत्रण समूह के साथ साथ सक्रिय समूह भी था, जिसका अर्थ है कि लोगों के उन्हीं समूह ने मानक देखभाल का पालन किया। इस मामले में पहले आहार और व्यायाम की सलाह दी गई, फिर समय सीमित उपवास की सलाह दी गई और फिर वापस मानक देखभाल की ओर रुख किया गया। तो एक क्रॉसओवर अध्ययन में आप बहुत सारे संभावित भ्रम पैदा करने वाले कारकों पर काबू पा सकते हैं जो अन्य पर्यावरणीय कारकों, आनुवंशिक कारकों आदि से संबंधित हो सकते हैं। और अध्ययन के निष्कर्ष काफी उल्लेखनीय थे। समय सीमाबद्ध उपवास तथा मानक आहार और व्यायाम दिनचर्या दोनों ही शरीर के वजन को कम करने, लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन के स्तर में सुधार लाने में प्रभावी थे। हालांकि वजन घटाने के
समान स्तर पर समय प्रतिबंधित उपवास यकृत के भीतर वसा और कमर के आसपास जमा वसा को लक्षित करने में बेहतर था, और यह श्रेष्ठता कैलोरी प्रतिबंध को ध्यान में रखने के बाद भी देखी गई। मैं आपको मेरा दूसरा वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जिसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ आंतरायिक उपवास आहार योजना, जिसमें मैंने अपनी स्वयं की आंतरायिक उपवास योजना का वर्णन किया है। मैं सूर्योदय के साथ उठता हूं और उठने के एक घंटे बाद नाश्ता करता हूं, और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि उससे पहले मैं 14 घंटे तक उपवास रखूं। इसलिए मैं सोने के समय के आधार पर सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाना बंद कर देता हूं, और उस समय अवधि में केवल पानी, नींबू पानी, ग्रीन टी पीता हूं। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि दिन का मेरा अंतिम भोजन, जो आमतौर पर 4 से शाम 5 बजे तक होता है, वो भी सुबह 5 बजे तक हो। शाम को मैं कम कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन वाला भोजन लूंगा, और मैं हमेशा इसे प्रतिरोध प्रशिक्षण के एक अच्छे सत्र के साथ मिलाने का प्रयास करता हूं, ताकि मैं शाम और रात के समय शरीर की मरम्मत, पुनर्निर्माण, मांसपेशी निर्माण तंत्र को सक्रिय रख सकूं, जबकि मैं सुबह और दोपहर के भोजन के समय सक्रिय होने पर अपने अधिकांश कार्बोहाइड्रेट ले सकता हूं। तो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए शीर्ष 5 सुझाव क्या है? नंबर 1, आपको अपना वजन कम करना होगा, कैलोरी कम करनी होगी, व्यायाम बढ़ाना होगा, और ATRF या प्रारंभिक समय प्रतिबंधित भोजन, आंतरायिक उपवास के हल्के संस्करण को शामिल करना होगा। यदि आपको बहुत अधिक वसा कम करनी है, तो आप उपवास की अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे केवल पीछे की ओर ही करें। सुनिश्चित करें कि आप अच्छा नाश्ता करें। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, और यदि आप रात का खाना पहले ही खा लेना चाहते हैं, तो यह उपवास करने का अधिक स्वस्थ तरीका है, बजाय इसके कि आप ऐसा करें जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं, अर्थात नाश्ता छोड़ देना, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं नाश्ता छोड़ने के खतरों के बारे में और अधिक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें शर्करा के स्तर में वृद्धि, दूसरे चरण को खराब करना, इंसुलिन प्रतिक्रिया आदि शामिल है, लेकिन ये किसी अन्य वीडियो के लिए होगा। दूसरा उपाय ये होगा कि तले हुए खाद्य पदार्थ, लाल मांस और संतृप्त वसा को कम किया जाए, इसमें मक्खन, घी आदि भी शामिल है। तीसरा कदम होगा परिष्कृत प्रसंस्कृत शर्करा और अनाज को कम करना, इसमें सफेद चावल, सफेद ब्रेड, सफेद पास्ता शामिल है, लेकिन विशेष रूप से फलों के रस, फलों के जैम, मुरब्बे तथा कोई भी परिष्कृत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो फलों से बने होते हैं और जिनमें फ्रुक्टोज होता है। चौथा कदम होगा अपने आहार में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्वों की मात्रा बढ़ाना, और मेरे पास इसका वर्णन करने वाले अन्य वीडियो की एक पूरी श्रृंखला है, लेकिन मुख्य रूप से मछली, मेवे, बीज, जैतून, एवोकाडो, फल और सब्जियां, हल्दी जैसे मसाले इत्यादि, और अंत में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और विटामिन सी जैसे पूरकों पर विचार करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने ऐसा किया है, तो सुनिश्चित करें कि आपको वीडियो पसंद आए, चैनल की सदस्यता लें। यदि आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी और को लाभ हो सकता है, तो कृपया यह वीडियो उनके साथ भी साझा करें। यदि आप समूह जूम सेटिंग में 1 से 1 वजन घटाने कोचिंग के लिए सदस्यता लेना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट weightlossgroupcoaching.com पर जाने पर विचार करें। मैं वजन कम करने, बीमारियों को दूर करने और बुढ़ापे को धीमा करने पर एक किताब लिख रहा हूँ। इसमें कुछ महीने और लगेंगे, लेकिन तब तक मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। क्या आप अंतहीन वजन घटाने और वजन पुनः प्राप्त करने के चक्र से थक गए हैं? क्या आप अंततः वो स्थायी, चिरस्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं? यदि ऐसा है, तो मेरे पास आपके लिए एक शानदार खबर है। मैं डॉक्टर रावत हूँ, 25 वर्षों से अधिक अनुभव वाला एक चिकित्सक, जिसने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया है, weightlossgroupcoaching.com और सेटपॉइंट रीसेट डाइट प्लान का संस्थापक हूँ। क्रैश डाइट लंबे समय तक काम नहीं करती है, क्योंकि आपने अपने सेट पॉइंट को हार्मोनल रूप से रीसेट नहीं किया है। आपका चयापचय धीमा हो जाता है, और आपका शरीर पुराने वजन पर वापस जाने के लिए आपसे लड़ता है। तो इससे पहले कि आप अगली क्रैश डाइट पर सदस्यता ले, weightlossgroupcoaching.com पर क्लिक करें, और 8 जूम ग्रुप वीडियो सत्रों में मैं आपको प्रशिक्षित करूंगा कि आप अपने सेट पॉइंट को हार्मोनल रूप से रीसेट करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ताकि आप न केवल वजन कम करें, बल्कि अपना वजन कम बनाए रखें। मुझे तुमसे वहां मिलने की प्रतीक्षा।